निरीक्षण के समय अन्वेषक मिले पढ़ाते हुए, अन्य स्टाफ अनुपस्थित। प्रदेश में संचालित हो रहे अन्वेषक शिक्षा मित्रों के सहारे कई परिषदीय विद्यालय। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की शोभा है हमारे अन्वेषक शिक्षा मित्र। सरकार दे इन्हें सामान्य कार्य, समान वेतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथ ही आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में हम बताएंगे क्या कुछ खास आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख खबर नंबर एक, पढ़ाते मिले अन्वेषक, चतुर्थ श्रेणी कर्मी शिक्षक और प्रधानाचार्य निलंबित। विधायक व वीएसए ने किया औचक निरीक्षण। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में जीत, सरकार को देना होगा 4600 का। पढ़ाते मिले अन्वेषक, चतुर्थ श्रेणी कर्मी शिक्षक और प्रधानाचार्य निलंबित। विधायक व वीएसए ने किया निरीक्षण, मानकों का पालन नहीं। संवाद सूत्र बाराबंकी पूर्व माध्यमिक विद्यालय संदूपुर के विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा और विभिन्न स्कूलों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गुरुवार को निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षक अनुपस्थित और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पढ़ाते मिले हैं। चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा था, हाउस होल्ड सर्वे का रजिस्टर गायब था। बीएसए ने संबंधित शिक्षक और बीईओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं संदूपुर के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय संदूपुर में उपस्थिति रजिस्टर देखते विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा जी और निरीक्षण करते स्कूल का साथियों। फतेहपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय संदूपुर का निरीक्षण किया गया, विधायक साकेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। यहाँ प्रधानाध्यापक इंद्रजीत यादव, सहायक अध्यापक प्रकाश श्रीवास्तव बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित थे। सहायक अध्यापिका रमा मिश्रा अवकाश पर थीं। अनुदेशक संदीप कुमार, नेहा सोनी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हंसराज बच्चों को पढ़ाते मिले हैं। विद्यालय के उपस्थिति पंजिका देखी तो शिक्षकों के हस्ताक्षर थे। विद्यालय में हर तरफ गंदगी मिली। बीईओ सुशील कुमार ने ग्राम प्रधान व ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। उन्होंने सत्र के सभी रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए। इस पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को निलंबित कर दिया। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार ने मसौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय नवेला करसंडा, रामनगर के कंपोजिट विद्यालय गणेशपुर मडना का निरीक्षण किया। अब दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में जीत, सरकार को देना होगा 4600 का ग्रेड। देश भर के 5000 पीटीआई शिक्षकों को होगा लाभ। भास्कर न्यूज़ से ये झज्जर, वर्ष 1976 से अपने ग्रेड को बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे देश भर के शारीरिक शिक्षकों को लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में वह केस हार गई है जिसमें शारीरिक शिक्षकों को 4600 रुपये का ग्रेड नहीं देने की बात कही जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार को 4600 रुपये का ही ग्रेड शारीरिक शिक्षकों को देना होगा। प्रदेश शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सतवीर सिंह देसवाल, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को यह कहा कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वही लागू होगा। देशवाल ने बताया कि वह अब तक हरियाणा सरकार 4200 रुपये का ग्रेड दे रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी जंग जीतने के बाद प्रदेश भर के 5000 शारीरिक शिक्षकों को मिलेगा। इसमें करीब 2000 शिक्षक वह हैं जो पीटीआई से प्रमोशन पाकर डीपीए के रूप में पदोन्नत हुए हैं। तो साथियों देखा, हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुनाया जो पहले से हाई कोर्ट ने सुनाया था। यही हाल अन्वेषकों का है, सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला सुनाएगा जो हाई कोर्ट ने किया है। 12 मई को आपकी तारीख लगी हुई है और उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि जो फैसला पहले से हाई कोर्ट ने सुनाया है, पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे फैसले को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए
आदेशित करेगी सरकार को, मान दे 17,009% ब्याज के। और साथियों, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमें वहाँ भी विजय दिलाएगा और हमको हमारा हक नियमितीकरण अवश्य प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी और सकारात्मक समाचार के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।